अलवर वार्ड नंबर 61 तिजारा फाटक के आसपास क्षेत्र में पानी की समस्या के चलते महिलाएं स्थानीय पार्षद सतीश यादव के साथ स्कीम नंबर 2 स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची, जहां स्थानीय पार्षद सतीश यादव के नेतृत्व में महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। तिजारा फाटक विश्वकर्मा कॉलोनी की रहने वाली विमला देवी ने बताया कि क्षेत्र में पानी की समस्या बरकरार है। नलों में कभी पानी आता है, कभी नहीं आता है। इससे क्षेत्र में लोगों के घरों में पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्षेत्र में पिछले 5 महीनों से बहुत ही ज्यादा पानी की समस्या हो रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पानी की समस्या के चलते महिलाओं को तिजारा फाटक पुलिया पार करके पानी लाना पड़ रहा है। ऐसे में महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय पार्षद सतीश यादव ने बताया कि क्षेत्र में 1 साल पहले अमृत योजना के तहत पानी की सप्लाई शुरू की गई थी, लेकिन पानी की सप्लाई करीब 10 से 15 मिनट तक ही विभाग करता रहा। ऐसे में स्थानीय लोगों ने जब जलदाय विभाग के अधिकारियों से कहा कि ऐसे ही क्षेत्र में 10 से 15 मिनट पानी की सप्लाई होती रहेगी तो कैसे काम चलेगा, जिस पर विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अभी अमृत योजना के तहत पानी की पाइपलाइनों का मिलान होना है, उसके बाद पानी की आपूर्ति को सुदृढ़ कर दिया जाएगा, लेकिन अमृत योजना के तहत क्षेत्र में पानी की सभी पाइपलाइन डल गई और लाइनों का मिलान भी हो गया, लेकिन आज तक क्षेत्र में पानी की समस्या फिर भी बनी हुई है, जिस पर विभाग के अधिकारियों का किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को लेकर अभी कुछ दिन पूर्व उनके द्वारा जलदाय विभाग में धरना दिया गया था, तब अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में हो रही पानी की समस्या को दुरुस्त करवा दिया जाएगा, लेकिन आज तक पानी की समस्या का कोई समाधान जलदाय विभाग द्वारा नहीं दिया गया, इसलिए दोबारा से जलदाय विभाग कार्यालय में आकर पानी की समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया गया है। मेरा नाम विमला देवी है, तिजारा फाटक विश्वकर्मा कॉलोनी। समस्या है कि पानी नहीं आता है, जैसे कनेक्शन करवाया है पानी आता है, कभी 2 मिनट कभी 10 मिनट आता नहीं है, कभी बिल्कुल ही नहीं आता है। बहुत दिन हो गए, 3-4 महीने से बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। लाइट की आती रहती है, लाइट की कटौती होती है तो 1-2 बाल्टी पानी आ जाता है। लाइट चल रही है, अब लाइट की कटौती नहीं होती तो पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। अब कहाँ से लेकर आ रहे हो आप पानी? फाटक पे से लेकर आते हैं, पटली पार से। और आज तो मैं ना गिर गई, मेरे पैर में लील भी पड़ रही है। अच्छा, तो ये वाटर वर्क्स वाले ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल नहीं। फिर रोड जाम करेंगे और कुछ सोचेंगे? हमारा तो निवेदन है कि हम कुछ नहीं करें और पानी छोड़ दें, आधा घंटा लाइट की कटौती कर दे। 5-10 मिनट हमारा वार्ड नंबर 61 है, जो तिजारा फाटक एरिया पड़ता है। लगभग 1 साल पहले अमृत योजना के पानी की सप्लाई वहाँ शुरू हुई। पानी जब शुरुआत हुआ तो वही 10-15 मिनट पानी शुरुआत हुई, तो हम लगातार शिकायत करते रहे कि ये पानी ऐसे आएगा क्या। तो उन्होंने कहा कि अभी पानी की शुरुआत हुई है, धीरे धीरे जो लीकेज है और जो काम बच रहे हैं वो काम पूरे होने के बाद पानी ठीक ढंग से आना शुरू होगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, और आप सब मीडिया वाले जानते भी इस बात को, कि 1 साल तक इंतज़ार करने के बाद जो 6-7 जगह मिलान होना बाकी था, जहाँ एक बूंद भी पानी नहीं पहुँचा था, उन मिलान के लिए भी मुझे धरने तक बैठना पड़ा, जो काम ठेकेदार का था नियमित रूप से करना चाहिए था। मिलान हो गया, लेकिन उसके बाद भी, मिलान होने के बाद भी जिस क्षेत्र में मिलान किए थे वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं पहुँच रहा है, और जहाँ पानी पहुँच रहा है वो मात्र 10-15 मिनट पानी पहुँचता है। तो मैं तो आपके माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी योजना, इतना बड़ा खर्चा करके योजना अमृत के रूप में इसको मूर्त रूप दिया गया, लेकिन उस योजना का क्या फ़ायदा जब लोगों को पानी नहीं पहुंच रहा। आपने पूरी सड़कें खोदी, आपने लाइनें बिछाई, टंकियां बनाई, तो पानी नहीं पहुंच रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ठेकेदार को गलत भुगतान किया गया है। क्योंकि जब तक आप पूरी जितनी बोरिंगों के लिए बोरिंग होनी चाहिए थी वो बोरिंग नहीं हो पाई, मुझे तो यहाँ तक भी जानकारी लगी है कि अधूरे काम का ही ठेकेदार को पेमेंट कर दिया। कोई प्रभावशाली ठेकेदार है ये जो IN JN एक्शन जो इस समय बैठे हैं अलवर में, ये उस समय कोई भी नहीं थे। जो अधिकारी यहाँ थे जिनकी जिम्मेदारी थी काम पूरा कराने की, उन्होंने काम पूरा नहीं कराया और ओके रिपोर्ट दे दी कि साहब काम पूरा हो गया है। एक तो ये भी जांच का विषय है, जांच होगी भी ऐसी बात नहीं है, कोई भी काम कोई मंदाजी कर ले कि मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ज़रूर इन लोगों पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जनता हमारे वार्ड की परेशान है, और लोग बिना पानी के कब तक जिंदा रहेगा, बिना पानी के कब तक रहेगा, 1 साल तक इंतज़ार किया है, मिलान के लिए धरना देना पड़ रहा है। तो मैं तो आज यही कहने आया हूँ लोगों के साथ कि
कि ये तो सिर्फ हमें ज्ञापन दिया है, जिस प्रकार से मिलान के लिए धरना देना पड़ा, अगर पानी की नियमित सप्लाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम कोई भी आंदोलन करना पड़े आंदोलन करेंगे।